सारे विद्यार्थियों सत श्री अकाल। असी सैवंथ क्लास का असं टॉपिक शुरू किया ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, यानी कि त्रिभुज ते इसते गुण। हुण नैक्सट 6.3 अभ्यास है साढ़े को, ये असी करांगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, त्रिभुज के अंदरले कोणा का जोड़ तो किन्ना हुंदा है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल होएगा साढ़े को 180 डिग्री। ठीक है, कोई भी ट्रायंगल है उदे सानू पता तीन भुजावां तीन साइड्स ते तीन ही एंगल्स, तो तीन एंगल्स का जिहड़ा जोड़ हुंदा है वो हमेशा किन्ना हुंदा है 180 डिग्री 180 डिग्री। ठीक है, हुण इहदे नाल दे कुछ क्वेश्चन ने। सैवंथ क्लास का टॉपिक है साढ़े को क्लास सैवंथ। सब तो पहला दो प्रश्न है तुहाडे बुक च, पहले दे छे पार्ट, अगले दे भी शायद बहुत ही सिंपल जे। जिस तरह मैं फस्ट क्वेश्चन सोल्व कर, सैकेंड पार्ट देख लो पहला। ठीक है, फस्ट विच सैकेंड विच जिहड़ी ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, समकोणिक त्रिभुज पी क्यू सॉरी क्यू इधर है ते आर, ए कोण 90 डिग्री का एंगल है, एक्स तो ये है 30 डिग्री। ठीक है, हम देखो सानू एक्स पता करने वास्ते आ मतलब कि 90 डिग्री का राइट एंगल। ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर जिदे तीन कोण, उन्होंने दो सानू गिवन है, एक है 90 डिग्री एक है 30 डिग्री, तो तीसरा पता करने वास्ते क्या एक्स, तो सानू पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना है 180 डिग्री, मतलब इन्हें तिना कोणों का जोड़ है 180 डिग्री। तीन कोण केड़े केड़े हो गए, एक एक्स हो गया, एक 90 तो एक 30। ठीक है, हुण एक्स जमा 90 तो 30 हो गए 120, इतों जस्ट अं एक्स का मुल कढ़ना, तो एक्स आ जाएगा साढ़े को 180 माइनस 120। ठीक है, इधर प्लस इधर आ गया माइनस, यदा मतलब एक्स आ गया साढ़े को 60 डिग्री। क्लीयर, नैक्सट भी इस तरह ही। बाकी एक क्वेश्चन देख लो, सिक्स्थ पार्ट है, हम सिक्स्थ पार्ट विच भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, यह 90 डिग्री का एंगल, ये हैगा एक्स, ये हैगा 2x, वैल्यू असी एक्स की कटनी। हूँ तीन कोण कहे कि एक है 90 डिग्री, एक है एक्स, तो तीसरा 2x, तो तिना का जोड़ फिर 90 जमा एक्स जमा 2x, ये हो गया 180 डिग्री, यानी कि 90 प्लस 3x। ठीक है, x प्लस 2x 3x, इट इज़ इक्वल टू 180, तो 3x आ जाएगा 180 माइनस 90, 3x इज इक्वल टू 90, तो x आ जाना साढ़े को 90 अपॉन 3 यानी कि 30 डिग्री। क्लीयर, x इज इक्वल टू 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल जे क्वेश्चन है। हुण सैकेंड, सैकेंड विच भी यही प्रॉपर्टी लगनी है, बट उत्थे एंगल जिहड़े थोड़े सानू एक अद्धा होर फाइंड आउट करना पएगा। जिस तरह सैकेंड का फस्ट पार्ट है, इहदी जिहड़ी डायग्राम इस तरह है, ट्रायंगल एक जिहदी एक साइड नू प्रोड्यूस किया वधाया गया, ए एंगल हैगा एक्स, ए 50 है, तो ए हैगा वाई। ठीक है, तो अब बार वाला एंगल गिवन है 120। क्लीयर, हुण सब तो पहला असी देखो एक्स पता करना, तो नाल वाई, ए 50 डिग्री है। हुण असी की करांगे, वाई की वैल्यू पहले इतने, क्योंकि आ जो दोवें एंगल वाई तो 120 ये स्ट्रेट लाइन पर आ गए, तो स्ट्रेट लाइन पर आ गए, तो इन दोवों का जोड़ा जोड़ है वो किन्ना होएगा 180 डिग्री, इनू कहिंदे लीनियर पेयर। ठीक है, रेखी जोड़ा, रेखी जोड़ा लिख सकते जां लीनियर पेयर लिख सकते जी, रीज़न इहदी लिखनी। हुण नैक्सट इत्थों वाई की वैल्यू आ जानी 180 माइनस 120, तो वाई हो गया साढ़े को 60। ठीक है, हुण वाई 60 आ गया, हुण की दो एंगल मिल गए ट्रायंगल दे, तीसरा फिर तिना एंगल का सम 180 करके, तो एक्स प्लस दूसरा 50 है, तो तीसरा असी वाई कढ लिया 60, तिना का
सम 180 तो एक्स जमा 60 ते पंजाओगे 110, ठीक है। तो एक्स आ जाएगा 180 माइनस 110, ये हो गया साढ़े को एक्स 70 डिग्री। क्लियर। इसी तरह एक क्वेश्चन होर देख लो, यदा हुण सैकेंड विच जिहड़ा एक एंगल वो वर्टिकली ओपोजिट करके वाई आ जाना, ठीक है। फिर थर्ड वे ते तुसी क्वेश्चन नंबर इहदा देखो, फिफ्थ पार्ट विच एक एंगल गिवन सानू, ठीक है। ये बार वाला हैगा 90 डिग्री, तो यह हैगा वाई, तो यह दोवें एक्स है। हुण सब तो पहला वाई जिहड़ा है 90 दे बराबर, क्यों? वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, यकीन है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स जिन्हां नूं असीं सिखर सन्मुख कोण कहिंदे ने, सिखर सन्मुख कोण, ठीक है। हुण तिन्नां दा सम 180, एक्स प्लस एक्स प्लस थर्ड एंगल वाई, ठीक है। एक्स एक्स ते वाई तिन्नां दा सम 180, हुण एक्स प्लस एक्स ए 2x हो गया, तो वाई, तो वाई कितना साढ़े को 90, ठीक है। वाई की वैल्यू 90 भरती, इतों एक्स फाइंड आउट कर लेना, 180 माइनस 90, तो 2x आ गया साढ़े को 90, तो एक्स आएगा 90 अपॉन 2 यानी कि 45 डिग्री, ठीक है। क्लियर। बहुत ही सिंपल जहा क्वेश्चन है। एक लास्ट क्वेश्चन देखो, यदा लास्ट जिहड़ा साढ़े को सिक्स्थ पार्ट है सैकेंड का, ये साढ़े को तिने जे ट्रैंगल के बार वाले कोण गिवन है, यह हैगा एक्स, ठीक है। यह भी एक्स है, यह अंदर वाला वाई है, तो यह भी कितना है एक्स है। हुण सानू अंदर वाले कोण इहदा कोई नाम रख लो, देखो इनू कोण नंबर एक कहता, इनू कोण नंबर किन्ना कहता, दो, ठीक है। एंगल वन एंड एंगल टू। हुण क्योंकि वन किहदे बराबर होगा एक्स के बराबर, वन इज इक्वल टू एक्स, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, ठीक है। इनू पंजाबी असी सिखर सन्मुख कोण लिख सकते। इस तरह टू भी बराबर एक्स है, ये भी आ गया वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। तो जिहड़ा वाई ये भी किहदे बराबर आया ना एक्स के, ये तिने साढ़े को वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स यानी कि सिखर सन्मुख कोण, ठीक है। हुण तिन्नां दा सम ट्रैंगल के इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि जरा फॉर्मूला इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, तो अंदर वाले एंगल कि एक दो वाई, यानी कि एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस वाई, इट इज़ इक्वल टू 180, ठीक है। अंदर वाले एंगल्स का सम 180। हुण वन की जगह की लिखो एक्स, टू की जगह पर भी एक्स, तो वाई की जगह पर भी एक्स, 180। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 3x इज इक्वल टू 180, इतों साढ़े को एक्स आ जाना 180 अपॉन 3 यानी कि एक्स आ गया साढ़े को 60 डिग्री। यदा मतलब जे एक्स 60 है तो एक्स बराबर है वाई दे, यदा मतलब वाई भी कितना होएगा साढ़े को 60 डिग्री। देखो ये तिने एंगल 60 डिग्री, वन भी फिर 60 हो गया क्योंकि वन एक्स के बराबर है, ये भी 60 हो गया एंगल वन, एंगल टू भी एक्स के बराबर गया सगा, यह भी 60 हो गया, तो वाई भी कितना हो गया 60, तो तीनों एंगल बराबर, ठीक है। तो जे किसी ट्रैंगल के तीनों एंगल्स बराबर हो, उस ट्रैंगल में असं कि ट्रैंगल कहने इक्विलेटरल ट्रैंगल यानी कि समभुजी त्रिभुज। इतों यह पता लग गया समभुजी त्रिभुज के जो तिने कोण ने वो कि बराबर होंगे ने 60 डिग्री के बराबर होंगे। क्लीयर। यह सगा एक्सरसाइज अभ्यास 6.3। क्लीयर। धन्यवाद सारे का।